So we have understood the definition of a tangent and a secant. Okay. So tangent के बारे में हमने कहा that tangent is a line which touches the circle at a single point or intersects the circle at a single point. सिर्फ एक point पे touch करना चाहिए. Okay. So now let us understand how many tangents can be drawn from a point. From a point to a circle. Okay? So tangent की definition को हमने समझ लिया है, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक सर्कल पे मैं किस तरह से tangent draw कर सकता हूं. अब देखिए, जब मैं कोई line बनाता हूं तो लाइन बनाने के लिए क्या जरूरी है? लाइन बनाने के लिए उस लाइन का लोकेशन जरूरी है, उस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट जरूरी है जिससे मैं लाइन ड्रॉ कर सकूं. ओके, रैंडमली अभी तो हमने लाइंस बना दी, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल. किसी एक गिवन पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट बनाना चाहूं तो मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूं, और किसी एक गिवन पॉइंट से अगर मुझे सीकेंट बनाने हैं तो मैं कितने सीकेंट बना सकता हूं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो द केस वन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल. So what I am trying to understand is कि अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर लाए कर रहा है तो उस पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट्स और कितने सीकेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं. ओके, सो लेट अस से वी हैव अ सर्कल. लेट अस से दिस इज अ सर्कल, दिस इज द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, और हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है पी नाम का, एक पॉइंट है P जो कि इस सर्कल के अंदर लाए कर रहा है. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस P पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं. टेंजेंट क्या होना चाहिए? टेंजेंट एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो कि इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे. तो क्या मैं इस पोजीशन में ऐसी कोई लाइन बना सकता हूं जो कि इस सर्कल को एक पोजीशन पे टच करे और पी से भी पास हो? ओके, P से पास होने वाली कोई एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करे. लेट अस ट्राई टू ड्रॉ. हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. P पॉइंट से अगर मैं लाइन बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बना सकता हूं. ओके, और कुछ लाइन बनाना चाहूं तो इस तरह से बना सकता हूं, और लाइन बनाना चाहूं तो इस तरह से बना सकता हूं, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से. सो यू कैन सी P पॉइंट से पास होने वाली सभी लाइंस. ओके, P पॉइंट से मैं पास होने वाली किसी भी डायरेक्शन में लाइन बना दूं, अगर वो लाइन P पॉइंट से पास हो रही है तो सर्कल को वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली दैट दिस लाइन, लेट अस सपोज दिस लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, this is second, third, fourth, so and this is fifth line. Okay, these are five lines. मैंने पांच लाइन इस P पॉइंट से पास होती हुई बना दी. Now, अगर मैं इस फर्स्ट लाइन को देखूं तो ये लाइन P पॉइंट से पास होती है लेकिन सर्कल को ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या ये फर्स्ट वाली लाइन एक टेंजेंट है? नो, दिस इज नॉट अ टेंजेंट. सिमिलरली सेकेंड वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या ये टेंजेंट है? नो. थर्ड लाइन को देखते हैं, थर्ड लाइन भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी से पास हो रही है, तो क्या ये टेंजेंट है? नो. फोर्थ लाइन, पी से पास होने वाली इस फोर्थ लाइन को अगर हम देख रहे हैं तो दिस लाइन इज ऑल्सो नॉट अ टेंजेंट बिकॉज दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स. अगर मैं पी पॉइंट से पास होने वाली इस फिफ्थ लाइन की बात करूं तो दिस लाइन ऑल्सो इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स.
तो क्या यह लाइन एक टेंजेंट है? क्या यह लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट होगी? नो, बिकॉज टेंजेंट कहता है सिर्फ एक पॉइंट पे टच होना चाहिए, लेकिन इस पी पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लें, कोई भी लाइन कम से कम दो पॉइंट्स पे टच तो होगी ही होगी, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। एक सर्कल को एक लाइन दो पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पे कट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक पॉइंट पे तो नहीं कर रही। सो इन दिस केस इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल कैन आई ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट? क्या इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? नो, आई कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पी पॉइंट से। सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे? टेंजेंट्स आर जीरो, नो टेंजेंट पॉसिबल। ओके, नाउ इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ सीकेंट, हाउ मेनी सीकेंट्स आई कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पी पॉइंट? यू कैन सी आई हैव ड्रॉन फाइव सीकेंट्स। क्या पांच से ज्यादा भी बन सकते हैं? यस, पांच से ज्यादा भी हो जाएंगे। कैसे? कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, देन फिर इस तरह से चला जाएगा, देन इस तरह से। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सीकेंट्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सीकेंट्स। ओके, इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल आई कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, बट आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सीकेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली। ओके, सो इससे मुझे लगता है कि सीकेंट और टेंजेंट के बीच का एक डिफरेंस और अच्छे से समझ में आया। ओके, सीकेंट क्या है? दो पॉइंट पे कट करना चाहिए, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। नाउ इफ अ पॉइंट लाइज, ये तो पहली पोजीशन थी पॉइंट की, सेकेंड पोजीशन, इफ अ पॉइंट lies on the circle, हमने पहला पॉइंट कहां माना? इनसाइड द सर्कल। नाउ इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, मतलब अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाए करे, मतलब कुछ इस तरह से, दिस इज सर्कल, दिस इज द सेंटर ओ, एंड मैं ऐसा मानता हूं कि एक पी पॉइंट है जो कि सर्कल पे यहां पर लाए कर रहा है, दिस इज द पी पॉइंट। Now, can I draw a tangent from this P point? Tangent क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो P क्या है? P एक सिंगल पॉइंट ही है। तो अगर मैं इससे कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो वह लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। You can see, एक इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। Okay? And you can see, this line is passing from point P. It is only passing from point P. It is not intersecting the circle at any other point. Now, P point is a single point. P point lies on the circle. कि P point कैसा है? Circle के ऊपर lie कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस P point से मैंने ये जो एक line बनाई, this line is basically a tangent. Okay? Now, क्या मैं और tangents draw कर सकता हूँ? क्या इसी point से और टेंजेंट्स भी बन सकते हैं? हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन कुछ थोड़ी सी टिल्टेड बनाऊं, ओके, इस डायरेक्शन में, लेट अस से ऐसा। नाउ क्या यह लाइन भी एक टेंजेंट है? क्या इसे मैं टेंजेंट कह सकता हूं? आप देख सकते हैं ये लाइन पी पॉइंट से पास हो रही है और पी के बाद आगे बढ़ के इस पॉइंट को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट तो दो, ये लाइन तो दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज नॉट अ टेंजेंट। देन व्हाट इट इज? इट इज बेसिकली अ सीकेंट। ये क्या है? ये एक सीकेंट है। तो अब हम एक और लाइन बना के देखते हैं। अगर मैं पी पॉइंट से एक लाइन इस तरह से बना दूं, तो क्या यह लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट होगी? टेंजेंट मतलब एक पॉइंट, लेकिन यहां पर यह लाइन, ब्लू वाली लाइन, इस P पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है और P पॉइंट के बाद सर्कल को फिर से इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या ये लाइन एक टेंजेंट हुई? नहीं, दिस लाइन इज नॉट अ टेंजेंट, दिस इज अगेन अ सीकेंट। सिमिलरली इफ आई ड्रॉ वन मोर लाइन, लेट अस से लाइक दिस, नाउ क्या यह लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है?